So students, this is the third class of Factories Act 1948. Today we will discuss welfare measures. Welfare measures की पहला जो है health है, वो chapter 3 Factory Act की जो chapter 3 है वो health की welfare measures बता गया है. Health के under पहला आता है cleanliness, which has been defined under section 11. क्लीननेस बोलता है कि एवरी फैक्ट्री शुड बी प्रॉपरली क्लीन सो दैट देयर शुड बी नो बैड इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स. तो क्लीननेस बोलता है उसकी फर्स्ट पॉइंट में बोलता है कि प्रोवाइडिंग ड्रेनेज सिस्टम फॉर रिमूवल ऑफ वाटर. फैक्ट्री में जो वाटर निकालते हैं उसको निकालने के लिए अच्छे ड्रेनेज सिस्टम चाहिए. उसके बाद दूसरा बोलती है क्लीनिंग फ्लोर ऑफ एवरी वर्करूम वंस इन एवरी वीक. एवरी वीक में एक बार वो जो वर्करूम है, वर्कर जिस रूम में काम कर रहे हैं उसको साफ करना चाहिए. उसके बाद आ रहा है कलर वॉश, व्हाइट वॉश वंस इन फोर्टीन मंथ्स. जो सरफेस या वॉल है फैक्ट्री रूम की उसको व्हाइट वॉश और कलर वॉश करना चाहिए कितने दिन में, वंस इन 14 मंथ्स, 14 महीने में एक बार उसको कलर वॉश या व्हाइट वॉश करना चाहिए. उसके बाद बोलता है कि पेंटेड वैनिश सरफेस, जो सरफेस है पेंटेड और वैनिश उसको रिपेयर एंड रिवैनिश वंस इन 5 ईयर. जो सरफेस है उसको रिपेयर और रिवैनिश करना चाहिए 5 साल में एक बार उसको रिपेयर और रिवैनिश करना चाहिए. इफ सच सरफेस इज वॉशेबल देन वंस इन 6 मंथ. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल डोर विंडोज फ्रेमवर्क पेंटेड वैनिश्ड वंस इन 5 ईयर. फैक्ट्री में जो डोर विंडोज फ्रेमवर्क है उसको पेंट करना चाहिए और वैनिश करना चाहिए 5 साल में एक बार. वही बोलता है क्लीननेस. स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन 12 बोलता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट. जो फैक्ट्री में जो वेस्ट निकलता है उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लेना चाहिए ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री को प्रॉपर मेजर लेना चाहिए वो जो वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए. नेक्स्ट आता है सेक्शन 30 बोलता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर. वो जो वर्किंग प्लेस है जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उस प्लेस में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, ना कि ज्यादा टेम्परेचर ना कि कम टेम्परेचर होना चाहिए. उसके बाद बोलता है सेक्शन 14 बोलता है डस्ट एंड फ्यूम. नो वर्किंग प्लेस शुड बी फुल ऑफ डस्ट एंड फ्यूम. प्रॉपर मेजर शुड बी टेकन टू रिड्यूस दैट डस्ट एंड फ्यूम. नेक्स्ट इज सेक्शन 15. ये बोलता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन. वो बोलता है कि एसजी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वो स्टैंडर्ड बताएगा. उसके बाद सेक्शन 16 बोलता है ओवर क्राउडिंग. बोलता है कि जो वर्किंग प्लेस है और वर्किंग रूम है जो फैक्ट्री में जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं वो वर्किंग रूम सच मेजर्स में मेजर ले जाए कि नो ओवर क्राउडिंग इज अलाउड. देयर शुड बी नो ओवर क्राउडिंग. बोलता है नो वर्क रूम शैल बी ओवर क्राउडिंग व्हिच इज इंजुरियस टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर. जो वर्कर है उनकी हेल्थ को इंजुरी ना पहुंचा जाए
ओवर क्राउडिंग के द्वारा। इसीलिए वो सेक्शन 16 बोलता है कि ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री शैल टेक प्रॉपर मेजर टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग। फिर बोलता है कि 14.2 क्यूबिक मीटर फॉर एवरी वर्कर। वो बोला है कि एवरी वर्कर को एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर जगह देना चाहिए वर्क करने के लिए। सो दिस इज अबाउट ओवर क्राउडिंग। नेक्स्ट सेक्शन 17। सेक्शन 17 बोल रहा है लाइटिंग। व्हाइल वर्कर आर वर्किंग इन द फैक्ट्री देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग दैट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। सो मेजर शुड बी टेकन इन सच मैनर द प्रॉपर लाइट शुड बी इन द फैक्ट्री वर्क रूम। बोलता है कि सफिशियंट लाइटिंग इन वर्किंग रूम और व्हेयर वर्कर पासिंग। वर्कर जो जहां पे आता जाता करते हैं वहां पे प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। इट मे बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। वो आर्टिफिशियल हो सकता है और नेचुरल हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 18 बोलता है ड्रिंकिंग वाटर। और जो पीने के लिए जो पानी है उसके लिए प्रॉपर मेजर लेना चाहिए इसको ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री को। इसमें बोला है कि ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट कॉन्वीनियंटली सिचुएटेड फ्रॉम वर्किंग प्लेस। जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं उस प्लेस से वो ना ज्यादा ना कम डिस्टेंस होना चाहिए जो वाटर पॉइंट है। और ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शुड बी कॉन्वीनियंटली वो वर्कर को सुविधा होना चाहिए तो जाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट के पास। नेक्स्ट बोल रहा है 250 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड वर्किंग इन द फैक्ट्री सुइटेबल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट बोल रहा है वाटर पॉइंट शुड बी सिचुएट एटलीस्ट 6 meters फ्रॉम वॉशिंग प्लेस यूरिनल स्पिटर। और जो ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है वो एटलीस्ट 6 meters की दूरी 6 meters की डिस्टेंस होना चाहिए किसके पास वॉशिंग प्लेस यूरिनल स्पिटर। यूरिनल स्पिटर और वॉशिंग प्लेस जहां पे है उस वहां से 6 meters की दूर डिस्टेंस में वो ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 19 में बोलता है लैट्रिन और यूरिनल्स। एज वी नो फॉर द प्रॉपर हेल्थ सेफ्टी ऑफ द वर्कर द ऑक्यूपायर शुड एंश्योर द प्रॉपर लैट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री। सो अंडर दिस सेक्शन ये बोला है कि 250 और मोर वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री दैट्स वे प्रॉपर मेजर शुड बी टेकन एंड द लैट्रिन एंड यूरिनल्स शुड बी क्लीन वंस इन एवरी वीक। और लैट्रिन और यूरिनल है वो साफ होना चाहिए वीक में एक ही बार। उसके बाद सेक्शन 20 बोलता है स्पिटर। प्रॉपर मेजर शुड बी टेकन फॉर स्पीकिंग अप बाय द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। स्टूडेंट्स देन द वेलफेयर मेजर्स के अंडर चैप्टर आई भी में आता है सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स में बोलना है कि सेफ्टी मेजर्स विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग किस किस के लिए सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए इन द फैक्ट्री। बोलता है कि वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन द मोशन। जो मशीन की मोशन की टाइम में मशीनरी है जो फैक्ट्री में उसकी मोशन की टाइम में किस प्रकार सेफ्टी लेना चाहिए वर्कर को और ऑक्यूपायर बताएगा। उसके बाद बोला है सेल्फ एक्टिंग मशीन। जो ऑटोमेटेड मशीन है उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए वर्कर को वो बताया कौन ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। देन द प्रोटेक्शन ऑफ आई। उसकी
आय को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी मेजर्स लेना चाहिए जो कि सेफ्टी मेजर्स के अंडर आता है। सो यह थे सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट चैप्टर आई भी ए में बता दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट SAC साइट अप्राइजल कमिटी। चैप्टर आई भी ए में बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट साइट अप्राइजल कमिटी फॉर एग्जामिनिंग एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजारस प्रोसेस। एक जो हजारस प्रोसेस की जो काम है फैक्ट्री में चलती है उस फैक्ट्री की स्टार्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन ऑक्यूपायर देगा स्टेट गवर्नमेंट को, उसको हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट होगा जो साइट अप्राइजल कमिटी वो एग्जामिन करेगा। उसके बाद साइट अप्राइजल कमिटी रेकमेंड टू स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा विदिन 90 डेज फॉर फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। विदिन 90 डेज व्हेन द साइट अप्राइजल कमिटी रिसीव्ड द एप्लीकेशन रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजारस प्रोसेस, देन फ्रॉम दैट डेट विदिन 90 डेज फ्रॉम दैट डेट द साइट अप्राइजल कमिटी शैल रेकमेंड टू स्टेट गवर्नमेंट। देन बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल इज फाइनल फॉर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजारस प्रोसेस इज देन द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल इज फाइनल, नो नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट चैप्टर भी में बोलता है वेलफेयर। चैप्टर भी के अंदर आता है सेक्शन 42 में पहला आता है वॉशिंग फैसिलिटी। वो जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी वॉशिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना चाहिए वो बताता है कि सेक्शन 42 के अंदर। उसके बाद बोलता है सेक्शन 44 सीटिंग फैसिलिटी। वो जो वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में लॉन्ग आवर के लिए उनको बैठने के लिए अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। किसको? ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री को एक सीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद बोलता है फास्ट एड फैसिलिटी। ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड द वर्कर शुड बी प्रोवाइडेड फास्ट एड फैसिलिटी इफ देर इज एनी काइंड ऑफ इंजुरी देन द फास्ट एड फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर। वो बोलता है सेक्शन 45 फॉर 150 और मोर वर्कर्स फॉर मोर देन 150 वर्कर्स आर वर्किंग इन ए फैक्ट्री देन देर शुड बी ए फास्ट एड फैसिलिटी। फर्दर प्रोवाइड करता है कि फॉर 500 और मोर वर्कर्स वर्किंग 500 से ज्यादा वर्कर जहां जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसके लिए एक एम्बुलेंस फैसिलिटी चाहिए। उनकी जो इंजुरी काम करने के समय इंजुरी होता है उनको एम्बुलेंस की सहायता से नियरेस्ट हॉस्पिटल को लेने के लिए सुविधाएं देना चाहिए। इसको ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री दिस इज रिगार्डिंग द फास्ट एड फैसिलिटी। नेक्स्ट सेक्शन 46 बोलता है कैंटीन फैसिलिटी। वो जो वर्कर है उनको उनकी खाने के लिए कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए फैक्ट्री के अंदर। वेयर 250 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं उस केस में कैंटीन फैसिलिटी इज मैंडेटरी। फर्दर बोलता है कि कॉस्ट ऑफ फूड स्टॉक जो फूड है उसकी कॉस्ट में कैंटीन रनिंग एक्सपेंसेस नहीं चलेगा। कैंटीन चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ती है ऑक्यूपायर को
वो एक्सपेंसेस फूड स्टॉक में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 47 बोलता है शेल्टर रेस्ट रूम एंड लॉन्च रूम। वो सब बताता है कि वर्कर जो है उनकी अच्छाई के लिए एक शेल्टर चाहिए और रेस्ट रूम और लॉन्च रूम, खाने के लिए लॉन्च रूम और रेस्ट करने के लिए शेल्टर या रेस्ट रूम। वेयर 150 वर्कर्स और मोर, जिस फैक्ट्री में 150 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में मैंडेटरी है कि अच्छा शेल्टर रेस्ट रूम और लॉन्च रूम प्रोवाइड करना चाहिए। और जो शेल्टर या रेस्ट रूम या लॉन्च रूम है उसमें अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए और क्लीन भी होना चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 47। नेक्स्ट सेक्शन 48 बोल रहा है क्रच फैसिलिटी। और जो फैक्ट्री के अंदर जो वुमेन वर्कर काम कर रहे हैं उनकी चिल्ड्रन के लिए जो 6 साल से कम है, जिसकी उम्र 6 साल से कम, जो वुमेन काम कर रहे हैं जिसकी वुमेन काम कर रहे हैं उनकी जो चिल्ड्रन है उसकी उम्र 6 साल से कम होना चाहिए, उनके लिए क्रेच फैसिलिटी चाहिए। क्रेच फैसिलिटी ये बोलता है जो वुमेन की जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर केयर करना चाहिए व्हेन द वुमेन आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। व्हेयर मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स आर वर्किंग, जिस फैक्ट्री में 30 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वुमेन वर्कर काम कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। और जो वुमेन की जो बच्चे है या चिल्ड्रेन है उनका एज 6 ईयर से कम होना चाहिए। वही फिर बोलता है कि टेक केयर बाय वुमेन ट्रेंड इन द केयरिंग चिल्ड्रेन। वो जो वुमेन की जो वुमेन जो काम कर रहे हैं वुमेन वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उनकी जो बच्चे है 6 साल से कम उनको अच्छा केयरिंग लेना चाहिए किससे द्वारा, और जो एक वुमेन के द्वारा उनको केयरिंग लेना चाहिए जो कि ट्रेंड इन द केयरिंग चिल्ड्रेन को केयरिंग करने में ट्रेंड है। सो दिस इज स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स दिस इज रिगार्डिंग द वेलफेयर मेजर्स व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड ऑन चैप्टर बी। आई थिंक यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग फैक्ट्रीज एक्ट which we have read it. I think in the previous 2 class you have proper understanding. If any doubt then comment. Till then, thank you.